हम बोलते हैं ये क्वेश्चन है दो इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब इस दोनों में बस देखना है कि क्या क्या काम हो सकता है, ठीक है। ये जो सेकंड, ये दोनों क्वेश्चन जो है सो अपने आप में जो है सो बेस्ट क्वेश्चन है HCFLCM के लिए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है इफ थ्री बेल रिंग एट 2, 3, 4 सेकेंड रेस्पेक्टिवली देन आफ्टर हाउ मच टाइम ऑल ऑफ देम विल रिंग टुगेदर। मतलब क्या है कि तीन घंटी है, समझे, तो तीनों पहला घंटी हर एक 2 सेकेंड पर बजता है, दूसरा का घंटी हर एक 3 सेकेंड पर बजता है, और चौथा तीसरा घंटी हर एक 4 सेकेंड पर बजता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल रिंग टुगेदर। मतलब कुछ तो ऐसा समय होगा जो तीनों एक साथ बजेगा, कोई तो ऐसा समय होगा जो तीनों एक साथ बजेगा, और 2 घंटा के अंतराल पर कितना बार साथ बजेगा। अगर हम बता दें कि जो है सो कितना देर के बाद एक बार बज रहा है तो 2 घंटा में जितना सेकंड होता होगा उसके बाद से पता चल जाएगा कि 2 घंटा में कितना बार बजेगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो अच्छा एक बात बताइए आप लोग, अब क्वेश्चन में तो इतना नहीं पता चल रहा है कि अब HCF निकालना है कि LCM, कुछ पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है। तो आपको बस एक चीज सोचना है कि बताएं ये जो 2, 3, 4 सेकंड है कि नहीं है, 2, 3, 4 सेकंड है, तो घंटी जब एक साथ जब बजने का समय आएगा तो क्या ये घंटी 2 सेकंड पर बज सकता है तीनों एक साथ, 3 सेकंड पर बज सकता है एक साथ, 4 सेकंड पर एक साथ, लेकिन जो भी समय होगा ये मतलब कंपलसरी है कि इस तीनों से ज्यादा समय पर ही बजेगा। जब इस तीनों से ज्यादा का हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है तो क्या निकालते हैं, HCF या LCM? LCM बस पकड़ा गया। तो जैसे ही हम लोग इसका LCM निकालते हैं कि सारा काम खत्म हो जाएगा। 2, 3, 4 2 1 2 3 2 2 4 मतलब LCM विल बी क्या, 12। मतलब हर एक 12वां सेकंड पर जो है सो घंटी जो है सो एक साथ बजना शुरू हो जाएगा। तो पूछ रहा है 2 घंटा में कितना बार बजेगा भाई, तो ये 12 किस चीज में आया है, सेकंड में। तो 2 घंटा में कितना, ये 60 मिनट बना दिया, इसको 60 सेकंड हो गया बाय 12, यही करना होगा। मतलब 99.99% लोग यही करेगा, ठीक है, और करना भी चाहिए। तो कितना हो गया आंसर, कितना हो गया 600, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक, और आपका ऑप्शन में बहुत प्यार से ऑप्शन नंबर ए जो है सो 600 दिया रहेगा, आप प्रेम से उस पर टिक मार के चले आइएगा, लेकिन नेगेटिव मार। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो 12 सेकेंड, जैसे ये जो बीच वाला, मतलब ये हम लोग क्या निकाले हैं कि 2 घंटा के बीच में कितना बार बज रहा है, तो ये जो 2 घंटा के बीच में जो बज रहा है, जो पहला बार जो 12वां सेकेंड पर जो एक साथ बजा था वो कैलकुलेट करना भूल जाता है। मतलब ये जो कैलकुलेशन है ये मिडिल में सारा कैलकुलेशन कर लेता है, लेकिन पहला बार जो घंटी बजा था उससे छूट जाता है, ठीक है। तो हम लोग को बस एक काम क्या करना है इसमें, याद रहेगा कोई दिक्कत। अब देखिए, अब ये क्या है, 100 स्टूडेंट किसका है, सीएससी का, 200 स्टूडेंट किसका है, ईसीई का, और 300 स्टूडेंट मान लीजिए मैकेनिकल का है, एग्जाम देने के लिए आया, और देन हाउ मेनी रूम विल रिक्वायर्ड। एक बात बताइए, कभी भी रूम जो है सो एक 200 हो सकता है क्या, 100 हो सकता है, ऑब्वियस सा बात है कि एक रूम में बहुत सारा बच्चा बैठ सकता है, तो कोई भी जो नंबर ऑफ रूम होगा सभी से कम होगा, यहाँ पे हम लोग किस चीज को प्रेफरेंस देंगे, HCF या LCM को, कहे कि नंबर ऑफ रूम कभी ये स्टूडेंट से ज्यादा हो ही नहीं सकता है क्या, एग्जामिनेशन हॉल में, मैंने बिल्डिंग में तो रूम ज्यादा होगा लेकिन जो एग्जाम लेने वाला रूम है वो कभी भी स्टूडेंट से ज्यादा हो सकता है कभी भी। तो हम लोग यहाँ पे HCF निकालेंगे कि LCM, HCF अगर हम लोग निकाले तो बताइए क्या होगा, 100 को 200 मतलब 2, और फिर 100 को 300 से मतलब HCF कितना हो गया इसका, HCF कितना हो गया भाई, 100 हो गया। मतलब क्या है कि ईच रूम में कितना स्टूडेंट बैठेगा,
100 स्टूडेंट, ठीक है। तो ईच रूम में जब 100 स्टूडेंट बैठता है तो सीएससी के स्टूडेंट के लिए क्या रूम में काम निपट जाएगा, ठीक है। तो रूम रूम रिक्वायर्ड फॉर सीएससी कितना हो जाएगा भाई, 100 by 100, मतलब एक ही रूम में निपट गया। इसी के लिए कितना रूम का जरूरत पड़ेगा, 200 by 200, कहे कि इस रूम में क्या बैठ रहा है, हाँ। और ये मैकेनिकल के लिए कितना रूम का रिक्वायर्ड पड़ेगा, तो टोटल रूम में कितना काम निपट गया। अब देखिए सीएससी के लिए एक रूम, इसी के लिए दो रूम, मैकेनिकल के लिए तीन रूम, तो टोटल रूम कितना, 6, मतलब 6 रूम आंसर हो गया सीधा। अब देखिए ईच में कितना बैठता है, 100 × 6 टोटल कितना हो गया, 100 + 200 + 300 कितना, क्लियर।